हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डब्ल्यू वी सोल्यूशन बाय गिरी सिस्टर्स। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है और हमने बहुत सारे जो यूनिट थे उनको कंप्लीट किया था प्रीवियस वीडियो में। और आपको ना समझ में आए तो एक बार बढ़िया से देखिए, यदि नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग ने आंगस्ट्रॉम, माइक्रोन और नैनोमीटर तक कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग 1.3 जो हमारा चैप्टर है वो सॉरी 1.3 जो हमारा चैप्टर इंक्लूडेड 1 में है, जिसका नाम है डायमेंशंस। व्हाट इज डायमेंशन, यानी बीमा किसको कहा जाता है, वहां से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि साइंस रटने की चीज है, उसे हम लोग रटेंगे तो समझ में आएगा, या फिर कोई भी डिफिनेशन हुआ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि चूंकि साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको याद करना पड़ता है। तो पहले उस चीज को समझिए कि वो चीज है क्या। वर्ड टू वर्ड यदि आप समझते हैं और उसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें बिल्कुल समझ में आता है कि हम क्या पढ़ते हैं और क्या समझ रहे हैं। मीन्स कि डिफिनेशन हमें याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, तो हमें सिर्फ देख के समझ के और बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान देते रहिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन से। व्हाट इज डायमेंशन, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग जान पिछले हम लोग वीडियो में पढ़ा था कि 7 डायमेंशंस क्या थे। ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज जो हम लोग पढ़ा था वो क्या था, डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या था, उसको हम लोग कैसे डिनोट किए थे, एल से। डायमेंशन ऑफ मास एम, डायमेंशन ऑफ टाइम टी, और डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। प्रीवियस वीडियो में सब हमने कराया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड टेम्परेचर का हम लोग कैल्विन, ठीक है, और डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनेंट इंटेंसिटी यानी कैडमियम सी डी, ठीक है, और डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल। ठीक है, ये हमारे 7 डायमेंशन थे। इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से किया था, फिर भी आपको ना समझ में आया तो एक बार देख लीजिए जरूर। तो इसी पे आधारित हमारा है डायमेंशन, मतलब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन क्या है कि द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, पावर है टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। मतलब क्या है, ये देखिए, लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयों को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये लिख रहे हैं हम लोग एल एम टी ए के कैडमियम मोल, इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न इकाई की डायमेंशंस, उसमें उपस्थित लंबाई, मात्रा यानी द्रव्यमान और समय के मौलिक इकाइयों पर पावर लगाकर घात, रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली, उस पे पावर लगाकर उस भौतिक राशि को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। उस पर यदि पावर लगा देते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, वो भौतिक राशि डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर हम कहें क्या कि डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी का हम लोग क्या जानते हैं कि मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास है हमारा, ये है हमारा मास, मास से हम लोग किसको एम से करते हैं, तो एम और वॉल्यूम की, वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसका चारों तरफ सब जगह उसका ना चौड़ाई होगा ना हाइट होगा, यानी तीनों क्या होगा, ये हो जाएगा, तीनों हो जाएगा एल। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एम एल, यहाँ माइनस, और यहाँ पर जो टाइम है हमारा वो 0 है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, माइनस में, ये हमारा जो है, जो ये ऊपर गया तो ये माइनस में हो गया,
यानी कि हमारा डायमेंशन क्या हुआ, डायमेंशन डायमेंशन हमारा हुआ वॉल्यूम का 1 -3, 0, यही हुआ। यानी डेंसिटी का ये डायमेंशन हुआ, ये उसका पावर हुआ। तो हम लोग जिस भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालेंगे तो उसका पावर हम लोग उस पर लगा देते हैं तो वो उस चीज का डायमेंशन हो जाता है। यही बस देखना है और इसी से ही हमें बहुत कुछ आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, और भी बहुत सारे जिसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है? तो आपको बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा और किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इस चीज को याद करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बस उसके बाद तो आप आराम से डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का निकाल सकते डायमेंशनल हैं। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला मीन्स द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि जो एक्सप्रेशन जो दिखाता है कि किस तरह से एक फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटीज का रिप्रेजेंट कर किया जाता है एक फॉर्मूला के द्वारा, उसी को ही उस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है? जैसे हम यहाँ पर जैसे हम एरिया निकालेंगे, माना कि एरिया एरिया का क्या होगा, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एल इंटू एल। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला में तीनों चीजों को जरूर इंक्लूड करते हैं, मात्रा को, लंबाई को और टाइम को, ठीक है? तो यहाँ एल इंटू एल यानी कि एल टू द पावर 2 हुआ, और यहाँ पर टाइम 0, इसी को ही डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है? मतलब किसी भी चीज का हम किसी भी सॉरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का हम फॉर्मूला के रूप में व्यक्त करेंगे तो उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाएगा, जिसमें इन तीन चीजों को जरूर इंक्लूड किया गया है, मात्रा को, लंबाई को और टाइम को, ठीक है? मीन्स मास, लेंथ एंड टाइम, इन चीजों को इंक्लूड करके ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला को डेराइव कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि डेंसिटी निकालिए, डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी का हम निकालते हैं तो मास पर वॉल्यूम, तो मास का हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम, और किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू एल इंटू एल, मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एल क्यू। अब हम इसको व्यक्त कैसे करेंगे, यहाँ पर हम व्यक्त कर सकते हैं ऐसे ऐसे व्यक्त कर सकते हैं इसको, सॉरी यहाँ पर माइनस किया, ये ऊपर किया तो माइनस हो गया, इसी को ही डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है? क्लियर हुआ? अब हम आते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है? तो डायमेंशनल इक्वेशन मीन्स हुआ कि भौतिक विज्ञान या गणित के क्षेत्र में विभिन्न भौतिक राशियों के, ठीक है, विभिन्न भौतिक राशियों को के बीच में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को बीमा सूत्र के आधार पर समीकरण को सत्यापित करने के लिए या उसके संबंध स्थापित करने के लिए समीकरण ज्ञात करने का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो वैसे ही हम उसी को ही हम डायमेंशनल फॉर्म इक्वेशन कहा जाता है। मीन्स क्या हुआ कि द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटीज का जो इक्वेशन होता है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला में व्यक्त करने को ही डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाता है, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाता है। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हम हमारा एक इक्वेशन है, हम लोग सभी जानते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ft², ठीक है? वेयर s क्या है, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लोग एल के जैसे लिख सकते हैं, और यूटी क्या है, यूटी है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है? तो जब हम इसको डायमेंशनल के फॉर्मूला के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम इसको शो करेंगे कि हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है कि नहीं, ठीक है? चूंकि ये क्या है, ये डायमेंशनली तो हम इसको प्रूव कर देंगे, लेकिन चूंकि ये क्या है कि ये न्यूमेरिकली ये रॉन्ग हो जाता है,
या आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह का इक्वेशन में यदि प्लस बीच में है तो उसको हम लोग न्यूमेरिकली हम लोग इसको रॉन्ग कर देते, रॉन्ग हो जाता है। फिर भी हम यहाँ डायमेंशनली हम इसको प्रूव करेंगे कि LHS और RHS दोनों हमारा बराबर है कि नहीं है। तो लेट्स प्रूव कि पहले हम LHS में हमारा क्या है, इसका डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का निकालेंगे तो हमारा हुआ एम जीरो, यहाँ पर टी भी जीरो है और एल है, ठीक है। तो हम इसको एम एल टी की जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि एम जीरो एल और टी जीरो, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया, ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारा है LHS, ठीक है। अब हम RHS प्रूफ करेंगे तो हमारे RHS में क्या है, UT, U इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और T क्या है, यहाँ पर T है टाइम, ठीक है। यहाँ पर है हाफ, देखिए हाफ यहाँ कांस्टेंट है तो हाफ को हम लोग लेंगे नहीं, हम इसको डायमेंशनली प्रूफ करेंगे तो हाफ हमारे कांस्टेंट है तो हम हाफ को नहीं लेते हैं, हम अलग अलग पार्ट को प्रूफ करेंगे LHS से, ठीक है। तो यहाँ पर एफ टी का हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर एफ एंड टी स्क्वायर, वेयर एफ इज एक्सेलरेशन है, ठीक है। एफ क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण है, वेयर टी इज टाइम, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए U एंड T, U U मीन्स वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी का हम निकालेंगे कैसे, तो हमारे RHS में देखिए, RHS में हमें मिला क्या, RHS में हमारा है UT, ठीक है। तो पहले UT को प्रूफ करेंगे, U मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम, तो वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में m चूंकि 0 है, l और t -1, ठीक है। यहाँ है और यहाँ पर एक और टी है, क्योंकि हम वेलोसिटी को हम लोग ये लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में, और उसके बाद हमारा यहाँ पर है टी पहले से ही, ठीक है। हमारा ये टी पहले से ही है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ सिर्फ हमें क्या मिला, यहाँ से सिर्फ हमें मिला एल। अब ध्यान दीजिएगा कि ये टी माइनस में है और ये टी है प्लस में है, तो हम लोग ये टी टी क्रॉस हो गया, और यहाँ सिर्फ हमें एम, तो चूंकि जीरो में है तो डायमेंशनली हमें क्या मिला, यहाँ से सिर्फ एल। अब देखिए हमारा जो LHS में हमें क्या मिला है, यहाँ LHS में हमें सिर्फ मिला है एल, ठीक है। और RHS में भी हमारा क्या मिल गया, तो वेयर इज LHS एंड RHS, यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ, हमारा यहाँ पर LHS एंड RHS दोनों प्रूफ हो गया कि यहाँ भी हमें एल मिला, यहाँ भी हमें एल मिला, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट का हमारा ये प्रूफ हुआ। अब हमारा ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग नहीं लेते हैं और एफ टी स्क्वायर को लेते हैं, मींस यहाँ एक्सेलरेशन को लेते हैं और विद टाइम के साथ। तो हमारा एफ टी, देखिए RHS में हमारा और क्या है, RHS में है हमारे पास एफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो वेयर एफ इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का हमारा होता है एम जीरो एल टी -2, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्सेलेरेशन का हमारा डायमेंशन ये होता है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर पहले से ही है, मीन्स यहाँ पर इंटू करके हमारा टी पहले से ही है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये टी और ये टी क्रॉस हो गया था, हमें क्या मिला यहाँ पर, एल मिला। अब देखिए यहाँ पर भी हमें LHS में क्या मिला था, एल, और फिर RHS में हमारा क्या मिला, एल। मीन्स क्या हुआ कि ये जो हमारा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली ट्रू है, सत्य है, सही है, पर ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा न्यूमेरिकली क्या है, ये रॉन्ग माना गया है, चूंकि रॉन्ग माना गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें ये डायमेंशनल, ये इक्वेशन को हमारा ये प्रूव किया गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का ये इक्वेशन, मीन्स क्या कि द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी, इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशन, विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ, इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरह से प्रूफ हुआ, मीन्स डायमेंशनल इक्वेशन का ये इसी तरह से हमारा ये कोई भी इक्वेशन को हम लोग ऐसे ही डायमेंशनली प्रूफ करेंगे कि LHS और RHS दोनों बराबर हुआ कि नहीं, ठीक है। ये माइंड में क्लियर रख लीजिए, ओके। कुछ भौतिक राशियों के हम लोग यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, उनका ऐसा यूनिट लिखेंगे, और कुछ जिन जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके साथ रिलेशन लिखेंगे अदर क्वांटिटीज का। तो कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं एरिया, एरिया का क्या निकालते हैं, एरिया का होता है अदर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशन है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हाँ एरिया का फॉर्मूला।
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एल इंटू एल, यानी कि हो गया एल स्क्वायर, मीन्स क्या हुआ इसका फॉर्मूला एम जीरो, क्योंकि हम सब में एम एल और टी का यूज हमें करना ही है, ठीक है, एल स्क्वायर, और यहाँ पर टी क्या हुआ, यहाँ पर टी हुआ जीरो, ठीक है। तो एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन क्या हुआ, ये हुआ, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से हम लोग और भी चीजों का देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे डेंसिटी का कैसे निकालेंगे, डेंसिटी का निकालेंगे हम लोग मास पर वॉल्यूम, ठीक है, एक मिनट, या मास पर वॉल्यूम लिखेंगे। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे एम बाई एल क्यू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एम बाई एम एल क्यू, चूंकि वॉल्यूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों एक ही होता है तो हम लोग एल क्यू लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, कि यहाँ पर एम एम वन या एम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर एल -3 ये ऊपर में चला गया, और टी जीरो, इसका डायमेंशन लोग ऐसे निकाले, ठीक है, डेंसिटी का ऐसे निकाले। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर मीटर क्यूब, केजी मीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर माइनस क्यूब, ठीक है। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम का, वॉल्यूम का तो चूंकि यहाँ पर हमने बता दिया, फिर भी एक बार देख लीजिए वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम को हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, चूंकि वॉल्यूम का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों एक ही होता है तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू एल इंटू एल, मीन्स क्या हुआ एल क्यूब। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, एम जीरो एल क्यूब और टी जीरो, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे, स्पीड या वेलोसिटी, इसका हम लोग डायमेंशन कैसे निकालेंगे, स्पीड और वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं एल, और टाइम को कैसे लिख सकते हैं टी। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या हुआ, एम जीरो एल और टी माइनस, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके बाद इसका एसआई यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इस तरह से लिखेंगे। और इसका क्या लिखेंगे, देखिए चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हो हुआ हमारा ये एल टी माइनस वन हुआ, तो और ये अभी हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला, डायमेंशन इसका, और यहाँ पर हम लोग टाइम टी लिखे, यानी कि हमारा हो गया एम जीरो एल टी -2, ठीक है, ये ऊपर गया तो क्या हो गया -2। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से करके हम और सब चीज़ों का भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर और भी दिखा दे रहे हैं आपको कि कैसे आप और भी सब सब चीज़ों को कैसे निकालेंगे, जैसे मोमेंटम हुआ, मोमेंटम का हम लोग निकालेंगे कैसे, मोमेंटम को हम लोग कैसे लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है।
तो मास इनटू वेलोसिटी हुआ, मींस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मास को हम लोग एम लिख सकते हैं और वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग ऊपर में निकाले हैं, एल एल टी माइनस वन, ठीक है ये हुआ ना अभी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या उसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि टोटल हुआ हमारा, हमारा टोटल क्या हुआ इस तरह से कि एम एम इंटू एल टी माइनस वन, ठीक है ये हमारा मोमेंटम का हुआ, ये हमारा मोमेंटम का हुआ। और इसका ऐसा यूनिट हुआ हमारा के जी, के जी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और भी चीजों का यहाँ पर देख लीजिए कि और भी चीजों का कैसे होता है, जैसे कि फोर्स हुआ, फोर्स तो फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, मास, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन मींस एम, और एक्सेलरेशन कैसे निकाले हम लोग, ये निकाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एम एम चूंकि यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन में m क्या है, यहाँ पर m जीरो है, तो यहाँ पर इसका डायमेंशन जीरो है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो फोर्स का क्या हुआ, फोर्स का हुआ हमारा m एल टी माइनस टू, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, फोर्स का ऐसा यूनिट हुआ, फोर्स का ऐसा यूनिट हुआ हमारा न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम और भी चीजों का यहाँ पर आप तो देख लीजिए और उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक से एक मीन्स क्या है कि यहाँ से हम लोग यहाँ, यहाँ से हम लोग यहाँ, आराम से एक चीजों को हम लोग धीरे 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 करके निकालते चले जाएंगे और उसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक एक दूसरे से रिलेशन सभी के साथ है, हाँ। तो और भी चीजों का हम देखते हैं कि और चीजों का कैसे निकालते हैं, हमारे बुक से रिलेटेड जितने भी हैं, हमारे जो चैप्टर है जो टू या थ्री कहिए फोर कहिए, उन सब चैप्टर में जितने भी आने वाले हैं या फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा करवाया भी है, तो फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि इनका सरफे इनका कैसे हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, क्योंकि हमारे बुक में सभी जगह है, हम लोगों ने किया भी है और आप आगे चल के करेंगे भी, तो इन सब चीजों की जरूरत है, तो इन सब चीजों को भी कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। तो वर्क को हम लोग कैसे लिखते हैं, वर्क को हम लोग लिखेंगे, वर्क है एनर्जी है, पावर, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन, इन सब चीजों का भी डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो देखिए, ठीक है। तो वर्क को हम लोग लिखते हैं फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स को हम लोगों ने अभी कैसे लिखा था, यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स को लिखा था एम एल, हम एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसी को ही करते जाना है, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वही आगे करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होते जाएगा। तो फोर्स का हम लोग लिखेंगे एम एल टी माइनस टू, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था, फोर्स का हम लोग लिखेंगे एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस का हम लोग क्या लिखेंगे एल। तो हमारा डायमेंशन कितना हुआ, यहाँ पर हमारा हुआ एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू, ठीक है। और ऐसा यूनिट कितना हुआ, ऐसा यूनिट हुआ फोर्स का हमारा, फोर्स का ऐसा यूनिट हुआ न्यूटन, ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट हमारा क्या हुआ, न्यूटन हुआ। उसी तरह से हम लोग वर्क का निकालेंगे, सॉरी वर्क का ऐसा यूनिट, सॉरी वर्क का ऐसा यूनिट हुआ हमारा, वर्क का ऐसा यूनिट हमारा जूल हुआ, सॉरी न्यूटन नहीं जूल, ठीक है। यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ फोर्स तो मैंने पहले ही बता दिया है तो माय मिस्टेक, तो यहाँ पर जूल हुआ, ठीक है। उसी तरह से हम लोग एनर्जी का निकालेंगे कि एनर्जी का हम लोग कैसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, देखिए वर्क का हम लोग यहाँ पे निकला ये, ठीक है। तो अब देखिए अमाउंट ऑफ वर्क मीन्स क्या हुआ,
एनर्जी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू, तो इसका भी हम लोग क्या, हमारा क्या होता है, जूल। वर्क और एनर्जी दोनों का ही डायमेंशन एक ही होता है, ठीक है, यहां पर हमारा एक ही हुआ जूल। अब देखिए पावर का क्या होगा, वर्क एनर्जी और उसके बाद आता है हमारा पावर, तो पावर का हम क्या लिख सकते हैं कि पावर को हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क बाय टाइम, ठीक है, तो हमारा वर्क क्या है, हमारा वर्क है एम एल एल स्क्वायर टी माइनस टू और टाइम है टी, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस थ्री माइनस क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ऐसा यूनिट है वो है वाट, तो उसी तरह से देखिए एक दूसरे के साथ रिलेशन निकलते जा रहा है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, एक के साथ एक को याद रखेंगे, एक को याद रखेंगे उसके बाद धीरे धीरे सबको याद करते जाएंगे तो आराम से निकलते जाएगा। उसके बाद प्रेशर का आता है फोर्स, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, तो हम लोगों ने फोर्स का क्या निकाला था, फोर्स का हम निकाले थे एम, देखिए प्रेशर का क्या हुआ, फोर्स बाय एरिया हुआ, तो फोर्स का हम लोगों ने निकाला था, फोर्स का निकाले थे हम लोग एम एल टी माइनस टू और एरिया का क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एल माइनस में आ गया और इसका पास्कल भी लिख सकते हैं और न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग स्ट्रेस का हुआ, इसका भी फोर्स बाय एरिया, उसका भी इतना ही हुआ। स्ट्रेन का देखिए, स्ट्रेन चूंकि क्या है कि चेंज इन डायमेंशन और बाय ओरिजिनल डायमेंशन, मींस क्या हुआ कि इसका ये डायमेंशन लेस हो जाता है, स्ट्रेन के डिफिनेशन से हमें पता चलेगा कि ये क्या है, डायमेंशन लेस है। उसी तरह से कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या हुआ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस को, स्ट्रेस का क्या है, ये है निकला हमारा और स्ट्रेन क्या है, जीरो है, मींस वन है, मींस डायमेंशन लेस है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वन, तो हमारा ये जो स्ट्रेस का हुआ वही हमारा इलास्टिसिटी कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी वही डायमेंशन हुआ और इसका भी यूनिट ऐसा यूनिट यही होता है, मींस न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर। सरफेस टेंशन का क्या हुआ, फोर्स बाई लेंथ, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या हुआ, फोर्स बाय लेंथ, यानी कि फोर्स हमारा निकला था ये एम एल टी माइनस टू, यानी कि हमारा लेंथ है हमारा एल और उस तरह से ये एल हुआ ऊपर गया तो क्या हुआ, एल जीरो हो गया और हमारा ये इस तरह से निकला, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डायमेंशन है जिसको आप एक के बाद एक रिलेशन से आराम से फाइंड आउट करते जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए, समझिए और ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एक बार पूछिए मुझसे भी, कोई टेंशन नहीं है और आराम से पढ़िए, बस रटना नहीं है, बस समझना है कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। सो कीप वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।